नमस्कार, मैं हूं ज्योति बिष्ट। आप देख रहे हैं भारत फोकस न्यूज। अमरोहा में पुलिस परीक्षा की तैयारी, डीएमएसपी ने लिया परीक्षा केंद्रों का जायजा। 9 केंद्रों पर कई चरणों में होगी चेकिंग। यूपी पुलिस लिखित परीक्षा की तैयारी का जायजा लेने परीक्षा केंद्रों पर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह और जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी पहुँचे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना हो इसके भी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अमरोहा जिले के 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो सीधे अमरोहा मुख्यालय पर पैनी नज़र रखेंगे, और अमरोहा ज़िले में खुफिया तंत्र भी अलर्ट मोड पर कर दिया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर अलर्ट रहेंगे। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी और किसी भी तरीके की ब्लूटूथ मोबाइल घड़ी लाना प्रतिबंध है। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाता है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस भर्ती के संबंध में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। विभिन्न रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर आने वाले अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारी हेल्प डेस्क वहाँ पर कार्यरत रहेगी। सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है और पूरे शांतिपूर्ण वातावरण में सुचितापूर्ण ढंग से इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। अभ्यर्थी कुल 9 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे और लगभग 42,000 के करीब हमारे अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं।